आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रज्ञा मेश्राम इनका काढ़ा कोरोना मरीजों के लिए काफी कारगर साबित हो रहा है। इस काढ़े से लोगों में काफी लोकप्रियता को देख सभी को काढ़ा उपलब्ध हो इसलिए जोन निहाय केंद्र बनाकर काढ़ा वितरित किया जा रहा था, लेकिन इससे काढ़े की बड़ी मात्रा में कालाबाजारी की जा रही थी और इसी कालाबाजारी को रोकने के लिए ऑनलाइन सुविधा लोगों के लिए उपलब्ध की जा रही है। इसी संदर्भ में डॉक्टर प्रज्ञा मेश्राम इनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने, आइए डालते एक नजर। डॉक्टर प्रज्ञा मेश्राम हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है उसमें वेबसाइट के बारे में बताया गया है, ऑनलाइन जो है काढ़े की बिक्री की जाने वाली है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? एक्चुअली बहुत ज़्यादा कालाबाजारी हो रही थी तो इस कारण लोग भी काफ़ी डरे थे कि उनके पास ऑथेंटिक चीज़ पहुँच रही है या नहीं। इसके लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि हम लोगों ने वेब पेज अवेलेबल करके दिया है, आपको आपको ऑनलाइन बुकिंग करने की है। और तीसरी चीज़ है जिसमें सेंटर है 45-50 के आसपास सेंटर है, तो इन सेंटर पे से आपको रियल मिलेगा। लेकिन फिर भी मैंने रियल काढ़ा कैसे पहचाने ये हमारे एक यूट्यूब चैनल पर भी डाला है, और यूट्यूब चैनल किसी इसके लिए सब्सक्राइब के लिए या शेयर के लिए नहीं बनाया, वो इसलिए बनाया कि हर पेशेंट से काउंसलिंग मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। पेशेंट आप जानते हो बहुत भीड़ होती है, तो हर पेशेंट को प्रॉपर डिटेल इन्फॉर्मेशन मिले इसलिए वो हेल्पिंग हो, इसलिए ये यूट्यूब चैनल बनाया है जो कि आयुष आयुर्वेदिक क्लिनिक के नाम से है। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये कि वो लोगों तक की सच्चाई पहुँचे, क्योंकि कहीं ऐसा हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, काफ़ी डरे हुए लोग, और इस डर में उस डर के आगे जो जीत है हमें ये दिखाना है दुनिया को कि हमारे पास आंसर है, उसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रयास में जितने भी लोग सहयोग कर रहे हैं उन लोगों को सभी को हमारे तरफ से मनपूर्वक धन्यवाद कि वो हमारे सपोर्ट में हैं। बिल्कुल, कालाबाजारी रोकने के लिए जो है ये नया जो मतलब ऑनलाइन का जो है यूज़ किया जा रहा है, तो ऑनलाइन में भी कालाबाजारी ना हो इस पर किस तरह से ध्यान दिया जाएगा? इस पर पूरी तरह से जो ध्यान दिया जाएगा वो हमारी टीम पूरा सहयोग कर रही है। और सबसे मेन चीज़ बताओ, इसमें पैसे का कोई वैल्यू नहीं है, हर कोई अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, तो इसलिए हमारे टीम में पैसा इज डजेंट मैटर। अभी भी आप अगर एक पेशेंट देखेंगे वो एम्बुलेंस से आया हुआ है, पिछली बार जब वो आया था उसका 55 ऑक्सीजन था विथ ऑक्सीजन सिलेंडर, आज वो आया है 88 ऑक्सीजन, और पेशेंट बाहर ही खड़ा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, उसका 88 ऑक्सीजन है, उसको लाखों में लग चुका है, हमारे इसमें सिर्फ 800 रुपये में वो ठीक हो रहा है। इसमें काढ़े का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, तीसरी लहर आने वाली है, इसके लिए कुछ खास उपाय आपकी ओर से? कहा जा रहा है कि बच्चों पर ये तीसरी लहर हावी होगी, तो बच्चों के लिए कुछ दवाई आपके तरफ से बनाई जानी है, जैसे अभी ये सिद्धामृत काढ़ा बनाया गया है? ये सिद्धामृत काढ़ा बड़े बच्चों सबको ध्यान में रखकर बनाया गया था, लेकिन जब वायरोलॉजी की स्टडी होती है और कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो पहले स्टडी बेसिक पर बनता है, और ये वायरस तो न्यू था, तो इस वायरस न्यू तो नहीं बोलेंगे, पुराना ही है लेकिन उसे म्यूटेट कर दिया है, तो इस वायरस की स्टडी जब हमने किया तो हमें ये जो इन्फॉर्मेशन मिली वो इन्फॉर्मेशन बुक से मिली है वायरोलॉजी की, उसमें है कि बच्चों के गले में राइनो वायरस रहता है, तो एक मैन में दो तलवारें नहीं रहती, वैसे राइनो वायरस के साथ कोरोना वायरस टाइप नहीं कर सकता था, लेकिन अभी वायरस ने म्यूटेशंस कर दिया है, अब वो शायद टाइप कर ले, शायद अभी तक के इसलिए बोल रही हूँ कि इस पूरी स्टडी कम्प्लीट नहीं है, और जब तक मुझे कोई बात कन्फर्म पता नहीं है मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी इस चीज़ पर, तो शायद ये हो सकता है। और इसका जो स्टडी अभी तक के चल रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से जो आदेश आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि सितंबर में वायरस म्यूटेशन कर सकता है, और वायरोलॉजिस्ट बैठे इस चीज़ को बताने के लिए, तो हमने भी इसी चीज़ को किस तरह उनके बॉडी को प्रोटेक्ट करना और अगर चला गया तो उसे किस तरह हम किल करना है इस पर ही स्टडी कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ये चीज़ें सब अभी तक की स्टडी बेसिक पर ही चल रही है। जिस तरह से अभी ब्लैक फंगस जो आया है स्टेरॉयड के इस्तेमाल से जो हो रहा है, तो इस तरह से काढ़े से किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट? काढ़े का सिर्फ साइड इफ़ेक्ट एक ही मिला, हमें स्किन में छोटे से रैशेस आए हैं, बाकी हम लोगों ने जिससे भी फीडबैक मांगा है सभी से हमने फीडबैक मांगा था कि कोई तकलीफ हुई क्या, हल्के से रैशेस के अलावा और कोई साइड इफ़ेक्ट अभी तक के तो हमें काढ़े से नहीं मिला, और लगभग इस चीज़ को साल भर हो चुका है, एक या दो महीने में बढ़ना हुआ या काढ़ा नहीं है, साल भर से जो लोग ले रहे और जो अभी भी न्यूली ले रहे उनका सभी का हमने फीडबैक मंगवाया है, तो उसमें सिर्फ मिला है हल्की सी स्किन रैश आती है जो कि एक कोई भी एंटी एलर्जिक मेडिसिन ले ले तो वो ठीक भी हो रही है। तो प्रज्ञा मेश्राम हमारे साथ थी और उनसे हमने जाना कि जिस तरह से अभी कालाबाजारी काढ़े की हो रही थी उसे रोकने के लिए अभी ऑनलाइन काढ़े की बिक्री जो है होने वाली है। तो कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।